सूरत गुजरात के जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर निलेश जोगल ने अपने स्वयं के अनुभव से दावा किया है कि कोरोना होने पर अथवा उससे बचने के लिए बहुत कारगर उपाय है भाप लेना। इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, दिस आल्सो 10 टाइम्स एंड द एंटायर प्रोसेस विल नॉट टेक मोर देन 2-3 मिनट्स। इट्स दैट सिंपल। I have been sharing this experience on social media since long, and people keep on asking what to add in the water while we inhale the steam. It's absolutely no necessity of adding anything. लखनऊ के अस्पतालों में तो अब कोई गुंजाइश नहीं बची, ना तो बेड खाली है ना ऑक्सीजन है। एक साल से सरकार दावा कर रही थी कि सारा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, लेकिन सब डोल का पोल खुला, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बचा खुचा जो है तो प्राइवेट अस्पतालों ने लूट खसोट मचा रखी है। 2-2 लाख रुपया लेकर प्राइवेट अस्पताल बेड दे रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासन तंत्र चरमरा गया है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। फिर भी तारीफ करना पड़ेगा नगर निगम लखनऊ की, जिसने अंतिम विदाई के लिए जरूर बहुत पुख्ता इंतजाम शमशान घाट पर किया है। भैंसाकुंड वैकुंठ धाम में नगर निगम ने 100 नए प्लेटफॉर्म और गुलाला घाट शमशान घाट पर 65 नए प्लेटफॉर्म बना दिए और पहले से ही चिता बनाने का भी इंतजाम कर दिया ताकि वेटिंग कम हो जाए। यह खबर किसी को डराने या भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि सबको सावधान करने के लिए है, ताकि अब आप सरकार प्रशासन अस्पताल से उम्मीद मत रखिए। खुद को सुरक्षित कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर सरकार के इंतजाम के भरोसे रहेंगे तो सिर्फ शमशान घाट पर ही पुख्ता इंतजाम मिलेगा। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल, लोकबंधु और रामसागर मिश्र अस्पतालों में वेंटिलेटर चलाने वाला स्टाफ नहीं है, जिसके चलते करीब 40 वेंटिलेटर साल भर से धूल खा रहे हैं और दूसरी तरफ वेंटिलेटर न मिलने से लोग मर रहे हैं। यह है व्यवस्था का आलम। बलरामपुर अस्पताल के पास इस समय 28 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनमें केवल 6 वेंटिलेटर ही चल रहे हैं, जबकि बाकी बंद पड़े हुए हैं। इन्हें चलाने के लिए डॉक्टर व टेक्नीशियन का अभाव है। लोकबंधु अस्पताल के पास भी करीब 18 वेंटिलेटर हैं, इनमें सिर्फ 3-4 वेंटिलेटर ही एक्टिव हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों की कमी से सभी वेंटिलेटर का संचालन नहीं हो पा रहा है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग के लिए शासन को लिखा हुआ है। वहीं रामसागर मिश्र हॉस्पिटल को भी बीते साल 4 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन कोई भी ट्रेंड स्टाफ न होने के कारण यह बेकार पड़े हुए हैं। अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम दर्ज था, लेकिन 21 मई की रात 12 बजे तक भारत के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किए मरीजों की संख्या ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 3,15,000 मरीजों की संख्या के साथ भारत अब पहले नंबर है। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार की राजधानी पटना एम्स में कुल 384 डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित हुए हैं। वर्तमान में 134 स्टाफ और डॉक्टर संक्रमण की जद में हैं। इसमें 14 फैकल्टी, 30 रेजिडेंट और 90 स्टाफ शामिल हैं। लखनऊ में एक निजी अस्पताल फैजाबाद रोड इस्माइलगंज स्थित शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के कर्मियों ने मरीज की मौत होने के बाद उसके जेवर तक उतार लिए। पिता का शव ले जाते वक्त बेटे ने जेवर गायब देख पूछताछ की, जिस पर उसे टकराया जाने लगा। पुलिस भी पीड़ित की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। इस बीच पीड़ित ने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर अस्पताल की करतूत को उजागर किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी साझा की है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लिहाजा वे खुद को होम आइसोलेट कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने बीते कुछ दिन में उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का आज सुबह कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कोरोना की दूसरी लहर देश और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश पर भी भारी पड़ रही है। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से हालात संभलने की जगह लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों ने पहली बार 2000 की संख्या पार की है और एक दिन में 3,15,000 से अधिक संक्रमित मिले। वहीं देश के कई राज्य भी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच अस्पतालों से भी हाहाकार की खबरें आ रही हैं। कोरोना के आसमान छूते ग्राफ से देश की मेडिकल व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। कहीं धूप में बैठकर कोरोना के मरीज तड़प रहे हैं तो कहीं पर ऑटो में ही मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल इसका कोई हल भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। देश भर में अस्पतालों की दुर्दशा के शिकार हो रहे लोगों को बीमारी से ज्यादा सिसमिट मार रहे हैं, जिनके अपने अस्पतालों की दहलीज तक पहुंचकर भी एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। ना एम्बुलेंस है ना ऑक्सीजन, मरीज इलाज के लिए कराह रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई रहमदिली नहीं है।
हर अस्पताल के बाहर बेडफुल का बोर्ड लगा है। कोरोना से संक्रमित मरीज एक बेड के लिए घंटों या तो अस्पताल के गेट पर इंतजार कर रहे हैं या फिर अलग अलग अस्पतालों में मत्था टेक रहे हैं। इंतजाम नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ चरमरा चुका है। स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं। जिन अस्पतालों के दम पर कोरोना से लड़ाई का हौसला था, उन्हीं अस्पतालों का हौसला पस्त हो गया है, इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा भी अब नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में अब तक कोविड 19 रोधी टीकों की 13.22 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें से 21.21 लाख से अधिक खुराकें बुधवार को दी गई हैं। देश में अब तक 13,22,40,352 खुराकें दी जा चुकी हैं। 92,19,080 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली जबकि 58,51,361 कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 45 साल से 60 साल तक की आयु के 4,43,89,584 लोगों को पहली जबकि 16,28,837 लोगों की दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 60 साल से अधिक आयु के 4,78,44,204 लोगों को पहली जबकि 57,45,863 लोगों की दूसरी खुराक दी गई है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इसी दौरान दरियागंज इलाके में कार सवार कपल ने मास्क को लेकर पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। दिल्ली के लॉकडाउन से लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों में ताले पड़ने शुरू हो गए हैं। राजधानी के चिन्हट, अमौसी, तालकटोरा, कानपुर रोड, मोहनलालगंज की 300 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बंद हो गया है। इसका सबसे अहम कारण औद्योगिक इकाइयों के मालिकों के परिवार के अधिकतर सदस्यों का संक्रमित होना और कच्चे माल का नहीं आ पाना है। कोरोना संक्रमण के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण में कामकाज पूरी तरह ठप है। जरूरतमंदों को रिफंड करने के अलावा महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों व नई योजनाओं पर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। कुछ अधिकारी कोरोना ड्यूटी में हैं, तो कुछ अधिकारी पॉजिटिव होकर ऑफ ड्यूटी हो चुके हैं। वीसी अभिषेक प्रकाश पॉजिटिव खुद पॉजिटिव होकर आइसोलेशन में हैं। कमोवेश देखा जाए तो लखनऊ के सभी कार्यालयों का यही हाल है। काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं और कुछ में भय व्याप्त होकर आइसोलेशन में हैं। अगर यह कहा जाए कि स्थिति यह है कि जनता तो तड़प रही है और सरकार भी अब आइसोलेशन में है, तो कुछ गलत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री, सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी सभी इस बार चपेट में आ गए हैं और ऑफिसों में सन्नाटा पसरा है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के उल्लासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर आज सुबह भीषण रेल हादसा हो गया, जहां चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक और अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दिया। हादसे में ट्रक पर सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं घटना के बाद ट्रेन भी पलटते पलटते बची। गेटमैन की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के क्रॉसिंग पर पहुंचने तक गेट बंद नहीं हो सका, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रेन ने क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक, डीसीएम, ट्रेलर और 2 बाइक को टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 6ठे चरण के लिए आज मतदान होगा। 43 विधानसभा सीटों पर 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी लापता हो गई। पनडुब्बी स्थानीय समय अनुसार कल सुबह करीब 3 बजे बाली द्वीप के उत्तर में लगभग 90 मील दूर पानी में गायब हो गई। इसमें 53 लोग सवार है। लापता पनडुब्बी को खोजने के लिए इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से मदद मांग ली है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की एक और खेप भारत पहुंच चुकी है। राफेल की 5वीं खेप में 4 विमान हैं। पैट कमिंस और आंद्रे रसल की तूफानी पारियों के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स को बुधवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 15वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 18 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर कोलकाता को 19.1 ओवरों में 202 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कोलकाता को 2012 के बाद से इस मैदान पर अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 14वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों का स्कोर बनाया, जिसे हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की 4 मैचों में यह पहली जीत है।
IPL 2021 का 16वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाम 7:30 से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL में इन दोनों टीमों के बीच हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिली है, ऐसे में इस मैच के भी रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। विराट कोहली की अगुवाई वाली RCB इस सीजन में अब तक अजेय रही है। बेंगलुरु इकलौती ऐसी टीम है जिसे इस सीजन में अभी तक हार नहीं मिली है। वहीं राजस्थान ने अभी तक सिर्फ एक जीत ही दर्ज की है।